अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ मीठी इमली की चटनी। जो मीठी चटनी है उसको जैसे ज़्यादातर हम लोग चाट वगैरह और दही बड़ा ये सब हर चीज़ में इस्तेमाल करते, तो हम लोग अभी इसको ये मैंने तकरीबन 50 ग्राम लिया है इमली, देख सकते हैं ये इस तरह से। तो मैं अभी इसमें पानी डाल के इसको भिगो के रख दूंगी। वो तो 2-3 घंटा भिगो के रखने का जैसे हो तो ऐसे करें, नहीं तो जैसे लॉन्ग टाइम हो तो ठंडी पानी से रख दीजिए, जैसे कम टाइम है तो इसमें गर्म पानी डाल के इसको भिगो के रख दीजिए। तो मैं अभी ठंडी पानी से कर रहा हूँ, तो मैं इसको तकरीबन 2-3 घंटा ही भिगो के रख दूंगी। तो देख सकते हैं ये मेरा इमली जो था रात को मैंने भिगा के रख दिया था। एक्चुअली मैंने 2-3 घंटे के लिए नहीं, पूरा 4-5 घंटे बाद ही मैं इसको इसी तरह से ही हो गई, देख सकते हैं। तो मैं अभी इसको क्या करूँगी, अच्छे से उसको चेक कर लूँगी कोई बीज वगैरह तो नहीं है। बीज सिर्फ निकालूँगी क्योंकि मुझे मिक्सी में पीसना है, तो उसका ब्लेंडर में डाल के जैसे पीसना है, तो बीज होगा तो थोड़ा सा जैसे अच्छा नहीं रहता, तो मैं इसको बीज अलग कर लूँगी। थोड़ा बहुत है तो एक्चुअली है नहीं, लेकिन है तो थोड़ा बहुत मैं अलग कर लूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्सर मशीन में डाल के मिक्स कर लूँगी। और ये मैंने शक्कर लिया है थोड़ा सा, जैसे ड्राई मसाला वगैरह जाएगा वो मैं बाद में क्वान्टिटी बता रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको बीज निकाल लेती हूँ और मिक्सी में डाल के पीस लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले डाल दूँगी ये इमली सब इधर, और हमारा जाएगा इसमें 1 गिलास पानी में डाल दूंगी पूरा। देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया मिक्सर मशीन में। तो अभी इसको मैं अलग कर लूँगी, कचरा और पल्प जो होती है उसको मैं छन्नी की मदद से, ये देख सकते हैं इससे इसी तरह से एक बोल लिया मैंने, और ये छन्नी की मदद से मैं इसको छान लूँगी अच्छे से। ये देख सकते हैं हमारा सब कचरा ऐसे जैसे उसका जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको अलग हो गए हैं, और इसका पल्प ये देख सकते हैं इधर है। तो मैं अभी एक्चुअली आज मैं 2 तरह से चटनी बनाऊंगी, एक ये ग्रीन चटनी हरी चटनी और एक ये इमली की मीठी खट्टी मीठी चटनी। तो मैं एक्चुअली पुदीने की चटनी पहले से ही बना चुकी हूँ, लेकिन ये जो चाट वगैरह में इस्तेमाल होता है तो उसका ग्रीन चटनी जो है इसमें पुदीने का क्वांटिटी कम रहती है, धनिया का ज़्यादा रहती है। तो मैं इसी वजह से ये दोनों साथ साथ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ये चाट वगैरह में इस्तेमाल होती है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो मैं इसमें सबसे पहले डाल दूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तेल डालूँगी मैं। और हमारा जाएगा इसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसमें 1 टीस्पून जीरा, और इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। और अभी हमारा जाएगा ये इमली का जो पल्प निकाल के मैंने रखा वो हमारा जाएगा इसमें सब। और अभी मैं डाल दूंगी ये शक्कर हमारा, और
ये शक्कर हमारा जब तक डिजोल्व हो जाए सब, फिर मैं डालूंगी इसमें ड्राई मसाला सब। तो शुगर हमारा ये देख सकते हैं डिजोल्व हो गया है सब, तो मैं अभी इसमें डाल दूंगी बाकी सब मसाला। तो सबसे मैं पहले मैं डालूंगी ये जो ब्लैक सॉल्ट है, काली नमक वो जाएगा हमारा एक चाय की चम्मच से, और हाफ टीस्पून जाएगा हमारा इसमें गरम मसाला, और एक चम्मच में डाल दूंगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर, वो भी छोटी चाय की चम्मच से ही। तो ये सबसे पहले मिला दूंगी। तो अभी जाएगा हमारा ये जो कुटी हुई लाल मिर्च, और ये मैंने डाला 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, और ये मैं डालूंगी अदरक का पाउडर, वो भी हाफ टीस्पून है हाफ चाय की चम्मच से, और ये हाफ टीस्पून है जीरा भुनी कुटी हुई, और हमारा जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक। नमक हम लोगों ने ऐसे काली नमक भी डाला है, तो इसमें मैं थोड़ा सा हिसाब से ही डालूंगी जितना चाहिए उतना, क्योंकि नमक हमारा तकरीबन हो चुका है, थोड़ा सा सफेद नमक भी जाएगा इसमें। तो मैं अभी इसको अच्छे से पका लूंगी, इसमें ये थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए जब, तब हम लोग इसका आग बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं हमारा ये इमली का चटनी, मीठी खट्टी चटनी बन चुकी है। तो मैं इसी तरह से इसको अभी रहने दूंगी, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और थोड़ा सा गाढ़ा होएगा। तो चलिए इधर ही मैं स्टफ कर ले रही हूँ, और ठंडी होने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनी। तो मैं अभी बना रही हूँ हरी चटनी, जो हम लोग चाट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा पतला टाइप का भी होता है और थोड़ा सा कलर में भी ग्रीन रहता है। तो मैं इसके लिए मैंने लिया है ये 2 हरी मिर्ची, छोटे छोटे मैंने काट लिया है, और ये मैंने लिया है 1 कप धनिया। वो क्वांटिटी कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मिर्ची अपना हिसाब से ले लीजिए, धनिया भी जैसे ज़्यादा होना चाहिए, और पुदीना थोड़ा सा 4-5 पत्ता ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पुदीना का जो फ्लेवर होता है, स्मेल जो स्ट्रांग होती है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए चाट वगैरह में, नहीं तो सिर्फ पुदीना का ही स्मेल हो उसमें आप लोगों को आएगी। तो और मैं ये लिया मैंने 4-5 पुदीने के पत्ते, ज़्यादा नहीं, ये देख सकते इसी तरह से ही है। और ये मैंने लिया है 2 लहसुन का छोटे से कलियाँ, मैंने छोटे छोटे काट लिया है मैंने इसको, और ये 1 टुकड़ा अदरक का इंच 1 इंच का जैसे हो बराबर होगा, ये छोटे छोटे मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो सबसे पहले मैं ये सामान डाल दूंगी इसमें, हरी मिर्ची, धनिया मतलब अदरक जाएगा हमारा, हरी मिर्ची गई, और अभी मैं डाल दूंगी इसमें धनिया हमारी, और बाकी ये जाएगा हमारा पुदीना इसमें, और ये मैं डाल दूंगी लहसुन, और हमारा इसमें अभी जाएगा तकरीबन 2-3 चम्मच 2 टेबल स्पून पानी में डालूंगी इसमें, और मैं इसमें डाल दूंगी इसमें नमक डालूंगी, स्वाद अनुसार ही नमक डालिए, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जैसे 1/4 जो काली नमक है वो डालूंगी, या तो आप लोग इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और हमारा इसमें जाएगा अभी 1 टीस्पून जाएगा उसमें दही, इतना ज़्यादा भी नहीं, नहीं तो दही का ही जैसे उसका फ्लेवर आएगी, थोड़ा सा दही या नींबू डालने से क्या होता है, ये ग्रीन चटनी जो होती है वो थोड़ा सा जैसे कलर उसका ग्रीन अच्छा रहता है, नहीं तो आप दही नहीं तो नींबू डाल दीजिए इसमें। और मैं इसको अभी मिक्स कर लूँगी। हमारी चटनी बन चुकी, तो मेरे ये ग्रीन चटनी देख सकते हैं, मैं इसको अभी डाल दे रही हूँ एक बोल में।
ये मैंने एक्चुअली थोड़ा सा पतला ही रखा क्योंकि मुझे इसको चाट वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है। आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने चाट के लिए बनाया, तो ये देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा चाट में जैसे पतला पत्ता इस्तेमाल होता है, इतना हैवी नहीं रहती है। और नॉर्मली जैसे रायता वगैरह के लिए बनाए तो थोड़ा सा, जैसे रायता बनाए बिरयानी शिनेरन के लिए तो थोड़ा सा हैवी रहता है, उसमें पुदीना भी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पड़ता है। लेकिन ये जो चाट के लिए होती है पुदीना का क्वांटिटी कम रखना होती है क्योंकि उसमें पुदीना का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो मुझे पता नहीं चाट में तो स्पेशली अच्छी नहीं लगती लेकिन बिरयानी वगैरह में अच्छी लगती है। और ये देख सकते हैं ये मीठी चटनी हो, जो इमली का खट्टी मीठी चटनी थी वो है, ये दोनों ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। और ये स्पेशली जो चाट वगैरह में मैं इस्तेमाल करती हूँ। और आप लोग चाहे तो चाट, दही बड़ा और पानी पूरी हर चीज़ में, जैसे ये इसीलिए मैंने ये पतला रखा है क्योंकि ये जो पानी पूरी वगैरह में भी कुछ लोग ग्रीन चटनी पसंद करते हैं और कोई तो सिर्फ मिर्ची और खट्टी पानी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह चाट वगैरह बनाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। और ये रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। रेसिपी थोड़ा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फ्रेंड फैमिली से शेयर कीजिएगा। और दुआ में ये दे रखिए नेक्स्ट कोई मज़ेदार अच्छी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।